नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर प्रयागराज मेजा से। क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक किसानों ने मेजा पावर प्लांट द्वारा अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर मुख्य द्वार पर मोर्चा खोल दिया है। मईकला के मजरे पयासी कपूरा के माँ और बेटा चार दिन से आमरण अनशन पर हैं। मेजा ऊर्जा निगम की स्वास्थ्य टीम ने दोनों की जाँच की, जिसमे माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा है और बेटे की हालत भी खराब बताई जा रही है। मेजा ऊर्जा निगम द्वारा कोहडार सहित आधा दर्जन गांव की जमीन अधिग्रहित की गई थी। अभी विभिन्न गांव के एक दर्जन से अधिक किसान मुआवजे को लेकर एनटीपीसी का चक्कर लगा रहे हैं। मईकला गांव के मजरे पयासी कपूरा के बिमलेश मिश्र 25 वर्ष और मां बेवा गीता देवी 65 वर्ष की बीते 20 दिसंबर से मुआवजे को लेकर प्लांट गेट के सामने आमरण अनशन बैठे थे। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी को आमरण अनशन नागवार लगा और अधिकारियों के आदेश पर उन्हें वहां से डांट फटकार कर भगा दिया गया। विमलेश मिश्र अपने घर पहुंच आमरण अनशन पर चार दिन से बैठे हैं। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से मुआवजे की मांग की जा रही है, लेकिन मेजा ऊर्जा निगम के जिम्मेदार लोग हीला हवाली रहे हैं। प्लांट अधिकारियों के रवैये से आजिज आकर हम माँ बेटे आमरण अनशन के लिए बाध्य हुए हैं। उन्होंने कहा, जब तक जमीन का मुआवजा नहीं मिलता हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। घर के बाहर अनशन पर बैठे विमलेश मिश्र उनकी मां के स्वास्थ्य की जांच करने सीएचसी मेजा की टीम पहुंची थी। बुधवार को एनटीपीसी की स्वास्थ्य टीम ने जांच कर रिपोर्ट दी है। विमलेश की माने तो उनका शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ा है। उन्होंने बताया माता गीता देवी का भी बीपी बढ़ा हुआ है। इनके अतिरिक्त आधा दर्जन किसान शाहपुर कला के हैं, जिनका मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया। इसी के साथ ही तहसील प्रशासन भी अनजान बना हुआ है। विमलेश ने कहा, जान दे दूंगा लेकिन हक मिलने से पहले मैं और मेरी बेबा माँ यहाँ से नहीं हटेंगे।